भाग्य बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मंत्रों का ज्ञान। मंत्र क्या करता है, मैं आपको तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि मंत्र महामणि बिटप ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के। भाल मतलब भाग्य की मस्तिष्क, जो आपका फोरहेड है, इस पर जो कुछ लिख दिया गया सौभाग्य दुर्भाग्य, तो कु अंक मतलब जो खराब लिख दिया गया, ब्लैक डेस्टिनी बैड डेस्टिनी, उसको मिटाने का क्या तरीका है। बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि जो कुंडली में लिखा है जो भाग्य में वो नहीं बदला जा सकता। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं बदला जा सकता, जरा हाथ ऊंचा करें। आप मेरा प्रश्न समझे नहीं, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि जो भाग्य में लिखा है, जो कुंडली में लिखा है, वो बदला नहीं जा सकता। तो ऐसे लोग कौन कौन से हैं जो इस बात से सहमत हैं कि बदला नहीं जा सकता, जरा हाथ ऊंचा करें। बस खाली एक आदमी, तो बाकी लोग सहमत हैं कि बदल लेते हैं, पर एक वोट ऐसा है जो कहता है कि नहीं बदला जा सकता। ठीक, तो पहले उनसे पूछा जाए क्यों नहीं बदला जा सकता। आपका प्रश्न था महाराज कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है क्या हम उसे बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो मेरा कहना है कि हम उसे नहीं बदल सकते हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और नित देख रहा हूँ, और इससे मैं पूरी तरह आत्मसात कर चुका हूँ कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मैं नहीं बदल सकता। जैसे कि जिस घर में मैं जन्म लिया उस घर में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो मेरे सामर्थ्य से बाहर की चीज़ें थी, फिर भी मैं आज बरसों से कर्म किए जा रहा हूँ, पुरुषार्थ किए जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो घटनाएं हैं मेरे जीवन में वो घटित हो ही नहीं है, और उसमें मेरा कोई बस नहीं चल पा रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो देवता को पसंद नहीं है, तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जीवन में आज तक कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया हूँ जिससे देवता मुझ पर अप्रसन्न हो। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं जो यह साबित करता है कि यह मेरे भाग्य में विधि ने लिख कर भेजा था। इसलिए मेरे इतने अच्छे कर्म करने के बावजूद भी वो घटनाएं घट ही रही हैं, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूं कि भाग्य को बदला जा सकता है। ठीक है सोमनाथ, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, दो तीन उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, निर्णय आपको करना है। मैं कोई चीज आप पर थोप नहीं रहा हूं, गुरु ज्ञान देकर के आपको छोड़ देता है। जैसे ये लेक्चर दे दिया गया कि भाई शराब पीना ठीक नहीं है, और दूसरी पार्टी पे लेक्चर दे देगी पीने से स्वास्थ्य बनता है, पीना चाहिए, दो अलग अलग विचारधारा आपको चली गई। अब निर्णय आपका है। सती सावित्री का नाम तो मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, बराबर। तो पति देव तो राम नाम सत्य हो चुका था, तो जिंदा हुए कि नहीं, तो भाग्य का लेख बदला गया या नहीं बदला गया। मार्कंडेय ऋषि को ये था कि 12 साल की उम्र थी,
अजर अमर हो गए कि नहीं? हो गए ना? बहुत से लोग बड़े अनाथ घर में पैदा हुए। हिटलर था, अनाथ था। आज भी आप बड़े बड़े नेताओं को देख रहे हैं, बड़े साधारण परिवार में कहीं पैदा हुए, कहां से कहां पहुंच गए। तो बदल जा रहा है कि नहीं? और ऐसा भी है कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट वाले भी जेल में जाके बैठ गए, जिन पर कोई सोच नहीं सकता वो भी हो जा रहा है। तो मैं आपको कुछ बातें बता के समाप्त करता हूँ, फिर कभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इस विषय में हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे, तो समय बहुत लेट हो चुका है। भाग्य जो बनता है तो किस आधार पर बनता है, पहले हमको ये जान लेना चाहिए। रामायण की एक लाइन बहुत प्रचलित है, लोग वही हर जगह टेप बजाते हैं कि हो ये सो जो राम रच रखा को कर तर्क बढ़ावा ऐसा का। आप बीमार हो गए तो ये तो नहीं ना आपको पता कि राम ने क्या रचा है, कि मरेंगे कि जिएंगे, आपको तो नहीं पता क्या रचा हुआ है। तो डॉक्टर पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप पैदा हो गए तो राजा होंगे भिखारी है तो आपको नहीं पता, तो स्कूल पढ़ने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जाएंगे तो सीरियसली पढ़ना चाहिए कि नहीं, या बोले नहीं हुई है सोच राम रच रखा। आप घर में चले जाएं खाना पका के रख दें तो टेबल पे लेके मुंह में डालेंगे कि नहीं, कि कहेंगे हुई है सोच राम रच रखा। अब उसी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा हुई है सोच राम रच रखा, और दूसरी जगह क्या लिख रहे हैं, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। मतलब भगवान शिव भाग्य को बदल सकते हैं, वही तुलसीदास लिख रहे हैं ना। और वही एक जगह फिर लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, यही राम रची राखा। तो राम ने क्या रच रखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। अब आप बोलेंगे कर्म, तो कर्म की व्याख्या बड़ी सरल नहीं है। तो उस कर्म की व्याख्या समझने के पहले आपको प्रारब्ध का ज्ञान होना चाहिए, उन नवग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। नवग्रह ही आपको सब कुछ देते लेते हैं। पर कुंडली कब बनती है, आपका भाग्य, ये भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जब आप पैदा होते हैं तो क्या बना दिया जाता है, आपकी कुंडली, बराबर। तो कुंडली तो पिछले जन्म का एक अकाउंट था ना, और इस जन्म में जब आप शरीर छोड़ेंगे जिस समय, तो जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी ना पूरी जिंदगी की, वही आपके अगले जन्म की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, वही कुंडली बनेगी आप। इसीलिए कुंडली माता की इस ग्रह का इतना भोग दशा इनका बाकी था, ये तो हुआ आपके पासबुक, मतलब आपके भाग्य का हिसाब किताब। अब आपने कर्जा ले लिया है पिछले जन्म का कुछ, तो इस जन्म चुकाना पड़ेगा, तो भीख मांगिए। और आपने दुनिया में बांट रखा है ढेर सारा दान पुण्य तपस्या ये वो, तो इस जन्म में चुपचाप फसल काटिए। आप समझ गए कि नहीं, लॉटरी का टिकट सब लोग खरीदते हैं, एक आदमी को लगता है, किसका लग जाता है? वहां तो 100% भाग्य, वहां तो कर्म का कोई हिसाब है किताब नहीं है, कि आप कौन सा कर पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किसका लगेगा, वो तो फिक्स भाग्य है। तो प्रारब्ध भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रबल मध्यम निम्न। पुरुषार्थ भी तीन प्रकार के ही होते हैं, प्रबल मध्यम निम्न। बहुत प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से, मेरी बातों को याद रखिएगा, बहुत प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से प्रबल से प्रबल प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। छोटे मोटे पुरुषार्थ से प्रबल प्रारब्ध के दुर्भाग्य को बदला नहीं जा सकता, पर बदला तो जा सकता है। आपने किसी भी देवता को 25-30 साल तपस्या करके प्रकट कर ही लिया, तब क्या होगा, तो आशीर्वाद नहीं देगा? और जब दे देगा तो बहुत दिन बाद आप राजा बन ही जाओ। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपके ही द्वारा किए हुए कर्म है जो आप भोग रहे हो, और आप ही के द्वारा किए हुए कर्मों से वो कटेंगे। इसीलिए रामायण में बात स्पष्ट की गई, मैंने प्रारंभ में कहा कि मंत्र महामणि बिटप ब्याल के मेटत कठिन को अंक
संभाल के। मंत्र में वो सामर्थ्य है जो उस दुर्भाग्य को काट के फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? क्योंकि देवता मंत्राधीन है। देवता किसके अधीन है? मंत्रों का अधीन। लक्ष्मी किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। वो सब मंत्र किसके अधीन है? व्यक्ति के अधीन है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप देवता बन करके उन मंत्रों का सहारा लेते हैं तो धीरे 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 वो देवता आपके दुर्भाग्य को काट के फेंकेगा ही फेंकेगा। आप अगर दवा दारू करते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाएंगे, दीर्घायु हो ही जाएंगे, 10-20 साल उम्र बढ़ा ही लेंगे। और केवल भाग्य भरोसे बैठ जाएंगे तो 10-20 साल पहले ही राम नाम सत्य हो जाएंगे। दोनों का बैलेंस होना चाहिए।